ओह माय गॉड, लिटरली किधर आ गए हैं भाई? सच में बहुत डर लग रहा है, बताओगे ना? और एक्चुअली इस जगह पे सांप दिखता है कुछ, तो यहाँ पे आकर देखना है सांप भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राज, और गाइस आज मैं जहाँ पे आया हूँ, इस जगह का नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये काफ़ी फेमस मंदिर है देहरादून में, और इस मंदिर का खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बट फिलहाल मैं मंदिर में एंट्री कर चुका हूँ और इधर रास्ते से जा रहा हूँ। ये शायद 100 सीढ़ी है। एक्चुअली ये मंदिर ना देहरादून के पहाड़ों में है, और पता है आपको यहाँ से नीचे जाके ना एक बहुत सुंदर सा झरना है, सॉरी झरना नहीं, एक नदी बहता है यहाँ पे। यहाँ से गाइस ये फर्स्ट ग्लिम्प मिलता है इस जगह का, तेजस नीचे आ गए हैं। गेट कितना सुंदर सा बना हुआ है, काफी सुंदर व्यू है, पूरा शांत माहौल है अभी। एक्चुअली शायद लोग बहुत कम है, जनरली यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, वीडियोस वगैरह में देखा था लोग यहाँ ज्यादा होते हैं, बट आज पता नहीं क्यों ही लोग कम है। पानी का बहाव देखिए बहुत फास्ट है। एक्चुअली मैं पहले मंदिर जाता हूँ, पहले मैं पूजा करता हूँ, आपको मंदिर दिखाता हूँ, भगवान से दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे मंदिर के डिटेल के बारे में। और ऐसा कुछ बना हुआ है, और जो भगवान जी है ना यहाँ पे, ये जो शिव जी हैं, ये शिव जी का जो शिवलिंग है यहाँ पे, वो एक केव में मौजूद है अंदर गुफा में। तो पहले गुफा में लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है मंदिर, क्या है सब कुछ, चलिए देखते हैं। ऐसा कुछ रास्ता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पानी टपक रहा है पूरा। ये ऐसा कुछ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा है, पूरा गुफा है। और ये भगवान जी का वो मेन, और अब हम दर्शन करेंगे इस गुफा का मेन शिवलिंग से, जो नेचुरली इस गुफा में स्थित है। कहने का मतलब इसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये खुद से प्रकट हुआ है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ मंदिर तो बहुत सुंदर सा बना हुआ है अंदर, ये देखिए। यहाँ देखिए भगवान जी का लग रहा है कम्प्लीटली एक कैलाश पर्वत जैसा भी यहाँ बना हुआ है। ये जो ऊपर है ना, ये इसका हाइट कहीं कहीं बहुत कम है, तो कहाँ, और ये कम्प्लीटली अनइवन है, और वो कहाँ पे चोट लग जाए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आप ये बात कर रहा हूँ, मुझे 2-3 बार लग चुका है ऊपर में चोट यहाँ पर। और इस मंदिर का क्या खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेसिकली ये मंदिर जो है ना, ये जो द्रोण गुफा है, यहाँ पे द्रोणाचार्य जो थे वो तपस्या करते थे इस गुफा के अंदर में। उनका जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनका जन्म यहीं पे हुआ इसी गुफा के पास, और उनको दूध पीने के लिए कुछ नहीं था सुविधा, तो भगवान शिव ने, लाइक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभी पानी निकल रहा है यहाँ से, ये सब भगवान शिव ने उनके लिए दूध का व्यवस्था किया यहाँ पे। लाइक मुझे नहीं पता पूरा स्टोरी क्या है, बट कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये कलयुग में आने के बाद ये कम्प्लीटली पानी हो गया है। अब देखिए आप पूरा जगह से ये पानी निकल रहा है, और ये जो निकल रहा है ना पानी, ये टपकता हुआ पानी, इसी वजह से इस मंदिर का नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर जहाँ भगवान जी का मंदिर है पूरा गुफा, और ये सब में एक्चुअली ये सब पैर है, ये अश्वत्थामा है, ये जो है ना ये अश्वत्थामा जी है। और इसलिए ना वो शिव जी को मनाने के लिए एक पैर पे वो किए थे, तपस्या किए थे, उसी का यहाँ पे दिखाया हुआ है। और गाइस अंदर में गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, और ये रेनकोट है पहन के आया, इसलिए रेनकोट बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैं रेनकोट पहन के अंदर भी आ गया, और तो अंदर में ये बारिश होते रहता है हमेशा, तो मैं रेनकोट ही पहन के आ गया, बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कम कम पानी आता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और एक लड़का हमको देख रहा है झांक झांक के, क्या नाम है, क्या करते हो? हाँ अकेले आते हो, कहाँ घर यही है? हाँ अच्छे से पढ़ो, सर झुका के चलना पड़ता है, कितना पानी टपक रहा है यहाँ, पूरा में पानी टपक रहा है। अभी मुझे ये बताएगा कैसे घूमना है, बताओगे ना? हाँ तो चलिए घूमते हैं इसके साथ, और बताता है जैसा जैसा बताएगा उसके अकॉर्डिंग घूमेंगे, क्योंकि यहाँ का ये लोकल है, ये रेगुलर आता है। तुमको कैसे पता है इसके बारे में? पहले मई 1 में आया, फिर मैं स्टार्ट हो गया था मैं आना। हाँ ठीक है, फिर चलते हैं, ठीक ना घूमने? चलो चलो, वहाँ पे जाके देखना है क्या क्या है, वहाँ पे देखना है जाके उधर से। एक्चुअली ये रास्ता गया हुआ है, यहाँ से घूम के उधर गया है, और वहाँ से वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वहाँ से क्रॉस करके इधर आना है, और इधर भी घूमना है पूरा। और एक्चुअली इस जगह पे सांप दिखता है कुछ यहाँ पे आने के बाद, तो यहाँ पे आके देखना है सांप भी, लेकिन आई एम नॉट श्योर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सांप दिखता है, 2-4 सांप होता है जो दिखता है, 2-4 ना होते हैं बहुत सारे, कितना? 10 तो होते हैं, 10 होते हैं।
10 बोल रहा है, देखते हैं कितना सांप होता है। अभी मैं वहाँ था उस जगह पे, फिर मैं इधर से आया और यहाँ पे, और आप इधर का व्यू देखिए, पूरा पानी आ रहा है इधर से, नीचे से जाके इधर से देखिए, और इधर हैं गणपति बप्पा मोरिया और इनका लड्डू। अरे वाह, कितना सुंदर गुफा बना हुआ है। हाँ, ये गुफा है, अभी चलते हैं गुफा में। ये माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर है। गुफा कितना अच्छा प्रवेश द्वार बना हुआ है, कम्प्लीटली गुफा जैसा है। वाह, कितना सुंदर है। जय भगवान दी, जय माता दी। ओ गॉड, आ जाओ, मैं इसको मिस कर देता भाई। सांप ना हो क्या? डर लग रहा है, सांप का है। इसमें सांप भी रहता है क्या? नहीं नहीं ना, नहीं। ओके, होता तो मैं नहीं आता कभी। ये काफी अंधेरा गुफा है, पता नहीं आगे का क्या माहौल है, बट काफी अंधेरा है। ऐसे गुफा शुरू होती है। ओह माय गॉड, ये काफी काफी दूर है। कैसा है भाई? तुम सही जगह लेके जा। ये बच्चा जितना आराम से जा रहा है ना, उतना आराम से हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मेरा हाइट बहुत ज्यादा है और आप इसका देख सकते कितना कम हाइट है। ओह माय गॉड, लिटरली किधर आ गए हैं भाई। यार सच में बहुत डर लग रहा है। आगे ठीक है ना? डर लगता है, इतना ही है शायद। ओह माय गॉड, अरे जय माता दी, जय माता दी। खत्म है, काफी अच्छा था यार, बहुत ज्यादा काफी सही एक्सपीरियंस, पूरा वैष्णो देवी घूम लिए यहाँ पे, बहुत सही था। और यहाँ पे देखिए काली माता का, ये हनुमान जी के पीछे हम लोग खड़े हैं, तो मैं उस तरफ से आपको दिखा रहा था जब, तो देखिए गधा कितना बड़ा है, इनका हाथ, ये हाथ है उनका, और इधर उनका सर है ऊपर। बाकी अभी इधर जाते हैं सांप को, सांप वाला देखने के लिए, पता नहीं अभी दिखता है कि नहीं। कहाँ किधर दिखता है? नीचे। यहाँ पे कहाँ है? आप जो जानते होंगे गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो देखिए उस चीज को यहाँ दर्शाया गया है बहुत ही सुंदर से। यहाँ भगवान कृष्ण ये पर्वत को देखिए उठा के रखते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ, और उनके साथ साथ उनके जो गाँव वाले थे और दोस्त थे, वो लोग ये लाइक अपना डंडा से सब लोग उठा के रखे थे पर्वत, तो उसको दिखाया गया है। ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और रिलेटेबल लगा, अपना भारत महान। गाइस आई होप मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखा पाया हूँ, और अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शाम हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो में जो आपको अच्छा लगा पार्ट या आपको कैसा क्या लगा आप कमेंट कीजिए, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर से कर दो, क्या किए थे? कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, ये लाइक बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है ये पूरा हमको घुमाया बहुत अच्छे से। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।